हाँ तो भाई, आज जिसने भी ये प्रॉपर्टी का थंबनेल देखा है कि बेस्ट प्रॉपर्टी रिव्यू, और ये थंबनेल देख के खोला है वीडियो, उनको मैं वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक मिनट में ही पूरे वीडियो का शॉर्ट डिटेल दे देता हूँ। तो मैंने न्यूज़ वगैरह में देख रहा था कि एक कोई प्रॉपर्टी है नवी मुंबई में, खारघर में, अपर खारघर के पास में जो तलोजा एरिया है, वहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है 21 एकड़ के लैंड पार्सल में बन रही है, और हर न्यूज़ चैनल उसको दे रहा है भाई बेस्ट अवार्ड, बेस्ट प्रॉपर्टी अवार्ड, बेस्ट टाउनशिप। तो ऐसा क्या प्रॉपर्टी है ये जहां पर प्रॉपर्टी चालू 1 BHK, 1.5 BHK, मतलब फ्री में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एरिया भी मिल रहा है। पेंधार मेट्रो स्टेशन है ये, सामने आप देख रहे हो, ये मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, और जस्ट बगल में एक लॉ कॉलेज है, ये प्रॉपर लॉ कॉलेज है, बाला साहेब ठाकरे लॉ कॉलेज है, और यहाँ से प्रॉपर्टी 4-5 मिनट अगर पैदल भी चल के कोई भी इंसान जाता है तो आराम से पहुँच जाएगा। तो पूरी डिटेल्स अब मैं आपको वीडियो के अंदर आगे लाइन से देने वाला हूँ। समरी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि मैंने देखा था भाई नवी मुंबई के अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, हर न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं कि बेस्ट प्रॉपर्टी है, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सिडको का बहुत बड़ा टाउनशिप है, बगल में आप देखोगे ये RTO ऑफिस है, छुपके से मैंने वीडियो वगैरह सब कुछ उसका बनाया हुआ था ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूं, आपको पता चले कि क्या लोकेशन है, कैसा है, ये पूरा RTO ऑफिस है, मैंने छुपके से वीडियो बनाई। भाई कोई पुलिस वाला देखेगा वीडियो बनाते हुए तो मेरी बैंड बज जाएगी। बट एनीवेज, उसके आगे भी मैं जा रहा था तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स, अलग अलग चीज़ें बन रही थी, ऐसा ये क्या लोकेशन था मुझे भी समझना था, प्रॉपर्टी का सैम्पल फ्लैट वगैरह कैसा है कैसा नहीं है, हर एक चीज़ मुझे भी देखने में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि बगल में ही 70-80 हज़ार फ्लैट सिडको बना रहा है, और को अगर किसी भी एरिया में अगर पहुंच जाता है तो उस एरिया का तो डिमांड आप जानते ही हो, और अगर सिडको ने इतना फ्लैट बनाया है यहाँ पर तो उस एरिया में ऐसा कुछ होगा ऑब्वियसली कि सिडको वहाँ पर ऐसा बना रहा है, और बगल में भी प्राइवेट डेवलपर्स बहुत सारे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो मैं तो अपनी गाड़ी से गया हुआ था और सब कुछ, मतलब कैब से गया हुआ था, और हर एक चीज़ लाइन से देख रहा था। एंटर करते ही मैं ये देखता हूँ मेन एंट्रेंस गेट। अब एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले ही नोटिस कर ली वो ये थी कि यहाँ का जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, आसपास की हर बिल्डिंग से मैं तो बोलूँगा 100% अलग था, मतलब दिखने में। आप खुद देखोगे, मैं अगल बगल की बिल्डिंग आपको दिखा, वो देखो सिंपल फ्लैट बिल्डिंग, और इसका डिज़ाइन देखो, ये डेवलपर ने इतना अलग बिल्डिंग बनाया कि कोई भी अगर इसके अंदर आता है और जब देखता है तो उसको लगेगा कि हाँ भाई कुछ अलग है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ही आपने देखा, लेकिन दिख कैसा रहा है अलग अलग बिल्डिंगों से, ये सब जितनी भी बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये 22 एकड़ का लैंड पार्सल है इस एक अकेले डेवलपर के पास, और इसने यहाँ पर 4 माले की भी बिल्डिंग बनाई हुई है, 10 माले की भी बनाई हुई है, 15 माले की भी बनाई हुई है, मतलब हर टाइप का, हर साइज़ का। तो सबसे पहले तो मैं गाड़ी से उतरता हूँ, अपना बैग वैग लेता हूँ, और धूप तगड़ी थी, हर वीडियो में अब आप धूप देखने ही वाले हो, क्योंकि भाई साहब गर्मी, कोई भी साइट विजिट करने आएगा ज़रूर आप अपना सेफ्टी गियर लेके आना, छाता वाता। मेन मैप ऑफिस में लगा हुआ था तो ये सब मैं देख रहा था। तो जो खारघर का जो ब्रिज है, मतलब खारघर रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने वाला जो बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है, डायरेक्ट उससे प्रॉपर्टी कनेक्ट हो रही है, और कैसे कनेक्ट हो रही है वो मैंने मैप पे भी दिखाया। ऑफिस के अंदर जाते ही देखता हूँ सिद्धिविनायक का पूरा बड़ा बड़ा भाई पोस्टर वोस्टर सब लगा हुआ था। तो एक ब्रोशर मैंने सेल्स टीम से मांगा और उसको लेके पढ़ने बैठ गया, थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि ये जो रिव्यू इस बार मैं बना रहा हूँ ना, ये 20-21-22 मिनट की वीडियो होने वाली है, जो भी होगा आपको पता ही चल ही जाएगा। यहाँ पर इस डेवलपर ने इतने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना के डिलीवर कर दिया है, मतलब सोसाइटी हैंडओवर के साथ, कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब हर लोकेशन में, खारघर हो, अपर खारघर हो, उल्वे हो, द्रोणागिरी हो, अलग अलग जगहों पर। इसके ऑफिस के अंदर एक सैम्पल फ्लैट था यहाँ पर, तो वो मैं सबसे पहले देखने के लिए गया, तो ये सैम्पल फ्लैट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे सिर्फ यही देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एक्चुअली जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये तो ऑफिस का सैम्पल फ्लैट था, तो कोई अगर ऐसा प्रोजेक्ट जो बना हुआ हो उसके अंदर सैम्पल फ्लैट हो वो भी मुझे देखने में इंटरेस्ट था। तो ये देख के मैं फटाफट से बाहर निकलता हूँ, और यहाँ पर पूरा मैगजीन इस डेवलपर का पूरे छपे हुए पड़े हुए थे। तो हर एक चीज़ देखने के बाद, मैं सेटिस्फैक्शन लेने के बाद बाहर जाता हूँ, हमको एक पाजी मिलते हैं, आप भी आओगे तो आपको मिलेंगे। बट एक चीज़ जो मैं अवार्ड की बात कर रहा था, वो अवार्ड मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ।
इतने सारे अवार्ड लाइन से पड़े हुए थे, और ये कोई मतलब छोटे मोटे लोगों ने नहीं दिया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो रियल एस्टेट करके, हर एक अलग अलग, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स ने भी दिया था, तो मैं वो भी देखना चाह रहा था, TV9, हाँ नाम नहीं याद आ रहा था मुझे न्यूज़ चैनल का, TV9, यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्धिविनायक को बेस्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से तो किसी अगर न्यूज़ चैनल वाले ने दिया है तो कुछ तो बात होगा। और देखो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ, ये मिड डे वगैरह वालों ने भी अवार्ड दिया हुआ है, अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो अवार्ड्स तो ऐसी चीज़ है कि मिल जाता है, आप समझते हो कैसे अवार्ड्स मिलता है, तो मैं उसी चीज़ की सच्चाई देखने आया था। यहाँ पर पूरा लगा हुआ था, जैसे लोग फ्लैट व्लैट खरीदते हैं तो उनको ये घंटी बजा के सेलिब्रेट करते हैं, ये पाजी हमको मिल गए थे, तो इनके साथ मैं सच्चाई देखने के लिए निकला कि मतलब ऐसा क्या है क्या इसके अंदर। तो सबसे पहले तो अंदर आते ही मुझे देखो जो सच है वो मैं आपको सच बताऊँगा, अंदर आते ही बिल्डिंग्स तो बहुत अलग थी। सिद्धिविनायक होम्स की यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई थी, तो क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं ऑब्वियसली पैदल तो नहीं घूम के पूरा आपको रिव्यू दिखा पाता, तो इन्होंने मुझे एक ड्राइवर दिया और उसके साथ बैठ के मैं निकल गया। सबसे पहले रास्ते में यही देखने को मिलता है कि इतने सारे बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हो ये पूरी बन चुकी है, सोल्ड आउट हो चुका है, जिम क्लब हाउस मंदिर वगैरह सब कुछ है। आगे मैं आपको चलूँगा ना तो एक एक चीज़ दिखाता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज को सल्यूट। उसके बाद आगे ये एक नया प्रोजेक्ट है गोल्ड, इसके अंदर कुछ मतलब अलग अलग प्राइसिंग है हर प्रोजेक्ट के, जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में पहले समझ लूँगा तो एंड में मैं आपको एक वीडियो बना के प्रॉपर उसके अंदर प्राइसिंग वगैरह सब कुछ समझा दूँगा। ये एक नया प्रोजेक्ट है जो अभी बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मतलब ये रेडी टू मूव है ऑलमोस्ट, ठीक है, इसका काम वाम कम्प्लीट हो गया, कलर वलर आप देख ही रहे हो ख़त्म हो गया, नीचे पूरा फायर वर्क सेफ्टी, यहाँ पर पानी का फिल्टर, जो पीने का पानी होता है उसको भी अलग से फ़िल्टर किया जाता है, तो मतलब पीने का पानी है उसको अलग से फिल्ट्रेशन भी कर रहा है डेवलपर, करके दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे एडिशनली बहुत अच्छी लगी। और ये कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक छोटा सा ज़मीन है उसके चारों तरफ बाउंड्री है बीच में बिल्डिंग बना हुआ है बस ख़त्म, नहीं भाई इसके अंदर तो इतने बिल्डिंग्स हैं, ये पूरा कम्युनिटी जैसा है। सामने आप देखोगे डेवलपर ने प्रोजेक्ट के अंदर इतना बड़ा मंदिर बना के दिया हुआ है, यहाँ पर पूजा वाज मतलब जो करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो, पूजा वूजा सब कुछ अलाउड है। अब इसके आगे जब मैं जाता हूँ तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, मतलब प्रोजेक्ट नहीं ख़त्म होता है, ये सोसाइटी ख़त्म होती है जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लोग रह रहे हैं, सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है। इसके सामने एक और ऐसा ही गेट था और उसके अंदर भी बिल्डिंग थी पूरी। अब वहाँ से थोड़ा आगे निकल के एक और प्रोजेक्ट देखने के लिए मैं आया, ये निवांता करके कोई प्रोजेक्ट था, मुझे ड्राइवर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट भी पूरा बन के सोल्ड आउट हो चुका है और डेवलपर ने इसको भी डिलीवर कर दिया। तो मैंने बोला चलो भाई एक बार थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, दिखा देते हैं, लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, कैसा कंस्ट्रक्शन है। तो मैं गाड़ी से उतरता हूँ और ये भी चार माले की बिल्डिंग थी, 1, 2, 3, 4, 5 शायद, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 4-5 माले की बिल्डिंग थी। अब यहाँ पर ये पूरा बीच में आप देख रहे हो ना गार्डन टाइप बनाया हुआ, किड्स प्ले एरिया और गार्डन भी है, सोसाइटी ऑफिस वगैरह सब कुछ था, और चारों तरफ से बिल्डिंग है, मतलब एकदम गोकुलधाम टाइप। ये अलग बिल्डिंग है, ये टाउनशिप से अलग थी, सोल्ड आउट है, और यहाँ पे प्रॉपर रिक्शा विक्शा सब कुछ आती थी, मतलब आ ही रही थी, मैंने तो लाइव कैमरा में दिखाया ही है। तो मैं इसके आगे निकल गया, अब यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो ये ख़त्म है, सोल्ड आउट है। अब इसके सामने ये मेन मतलब ऐसा दरवाज़ा टाइप बना हुआ था, उसके अंदर जब हम लोग जाएंगे ना तो यहाँ पे भाई साहब बन रही है दुनिया भर की और बिल्डिंगें। अब ये तो राइट साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये भी आधा इसका काम लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, और जो सामने आप देख रहे हो दो माला बना हुआ है, तीसरा माले का मतलब कॉलम वगैरह खड़ा हो गया है, ये एक और नया प्रोजेक्ट है। उसके अंदर जाओगे तो और प्रोजेक्ट्स है, और इसी के अंदर ये लोग एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल लेके आ रहे हैं। मतलब अब जैसे मंदिर, जिम, क्लब हाउस, गार्डन, ये सब तो आपने देखा ही ना, अब इसके अंदर एक स्कूल भी बन रहा है और वो भी इंटरनेशनल बोर्ड का स्कूल। तो मतलब आपको सोसाइटी से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, अगर आपके बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पढ़ाई करने के लिए यहीं पे स्कूल मिल जाएगा। अब ये एक प्रोजेक्ट था मतलब जो बन रहा है, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग में एमेनिटीज़ पे बहुत फोकस किया है। मतलब ये जो पूरा बिल्डिंग देख रहे हो ना लाइन से, ऐसे मैंने हाथ करके दिखाया, ये बिल्डिंग तो है और ये जो पूरा एरिया है ये पूरी एमेनिटीज़ को दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, मतलब दुनिया भर की चीज़ें बन रही हैं, सोसाइटी में और भी जगह ये सारी चीज़ें दी हुई है डेवलपर ने, लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि क्यों ये सारे न्यूज़ चैनल्स
इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इतने बड़े बड़े अवार्ड्स दे रहे हैं, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे आप जाओगे और सामने से देखोगे ना, तो ही सच्चाई समझ में आएगी। दुनिया तो किसी भी चीज़ की तारीफ कर सकती है, लेकिन जब सामने से देखेगा आदमी तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई क्यों दिया है, अब मुझे समझ में आ रहा है। यहीं से जस्ट मैं थोड़ा सा आगे आके राइट टर्न लेके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे एक और बिल्डिंग बन रही है। अब ये बिल्डिंग और बन चुकी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 माला इसका बन चुका है। यहाँ पे कुछ लोग ना कुछ तो भी तोड़ रहे थे मेरे हिसाब से इस पेड़ पे, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा, मैंने वाइट शर्ट पहना हुआ था और मैं वीडियो बना रहा था, तो अब वो बेचारे मुझे देख के थोड़ा सा डर गए कि शायद ये सुपरवाइज़र होगा या कोई तो भी होगा, बोलेगा कि ये क्यों तोड़ रहे हो वगैरह। लेकिन मैंने भी फटाक से मैं गाड़ी से उतरा और मैंने उनको बता दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही देखने के लिए आया था। वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये वीडियो बनाने वाला है, अब तो हमारी बैंड बजेगी, बट मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी फिर अपना काम करने लग गए और मैं अपना बिल्डिंग का रिव्यू वापस से बनाने लगा। सामने आप देख रहे हो ये, इसका प्लास्टर का भी काम चालू हो गया, तो इससे समझ में आएगा आपको कि ये जो डेवलपर है इसका काम कितना फास्ट है। क्योंकि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये देखो, पहले माले का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है, ये बिल्डिंग का डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, ऐसा ही डिज़ाइन इस बिल्डिंग का बनने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पे है, जो बिल्डिंगें ऑलरेडी बन चुकी है उसका डिज़ाइन आपने देखा नॉर्मल बिल्डिंग से कितना अलग हाईटेक सुंदर, मतलब एक महल टाइप का लुक दिया हुआ है इसके सारे प्रोजेक्ट्स को। अब ये बिल्डिंग भी आप देखो, ये सामने से आपको दिख रहा होगा छोटा है, लेकिन जब इस साइड से आप आओगे तो ये पूरा एल शेप में, मतलब बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी अलग अलग बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना, वो सबका डिज़ाइन मतलब कुछ अलग ही लेवल का है। ये सब आप देख रहे हो, ये सारे 20 से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एमिनिटीज़ डेवलपर आपको दे रहा है। बिल्डिंग का डिज़ाइन आप देख ही रहे हो। अब इसके आगे एक मेन रोड पे एक अलग प्रोजेक्ट है टाउनशिप से अलग, उसके अंदर भी मैं गया क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर सैम्पल फ्लैट है, तो मुझे देखना था भाई कि बिल्डिंग के अंदर का सैम्पल फ्लैट कैसा है, ताकि मैं भी एक अंदाज़ा लगा सकूं और आप लोग भी एक अंदाज़ा लगा सको कि समझे आपको। तो भाई वॉचमैन ने हमको पहले रोका और उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बिना हेलमेट के तो नहीं जा सकते। उन्होंने बोला भाई सबसे पहले अपना हेलमेट पहनो, सेफ्टी गियर, और उसके बाद अंदर जाओ। तो अंदर जाते ही ये पूरा प्राइवेट रोड था, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ना ही गवर्नमेंट का रोड है, डेवलपर ने बनाया और इतना सारा प्लांटेशन किया हुआ। आप देख रहे हो इतने पेड़ लाइन से और सामने ये दो बिल्डिंग्स। अब इसके अंदर कैसा है कि इसमें 1 RK, 1 BHK, 2 BHK सब है, लेकिन 1 RK तो ये सोल्ड आउट हो गया है। और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में हर कम्युनिटी अलाउड है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं भाई अपना टोपी वोपी लगा लेता हूँ बड़ी मुश्किल से। मैंने तो जनरली हर प्रोजेक्ट में ये सब लगाने वाला तामझाम तो नहीं होता है, लेकिन आप भी जब आओगे तो आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है हर अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में। तो मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि ये दो बिल्डिंग और सामने ये जो पूरा जगह है ना, ये पूरा क्लब हाउस का है, यहाँ पे क्लब हाउस बन रहा है। और एयरपोर्ट से ये पूरा, क्योंकि नवी मुंबई खारघर वाले एरिया में आता है, तो एयरपोर्ट से नज़दीक हर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से आगे आप जाओगे आपको हर एक कनेक्टिविटी मिल जाता है, चाहे वो मेन हाईवेज़ हो, डीमार्ट हो, हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी यहाँ पे ज़बरदस्त है। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग इस एरिया में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसा है। बस उनको एक बेस्ट प्रोजेक्ट चाहिए, बेस्ट बजट में चाहिए, क्या डिस्काउंट मिल सकता है, और बस उतना ही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन मैं इस बार 20-22 मिनट का प्रॉपर रिव्यू बना रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, ऊपर सैम्पल फ्लैट है। तो इसके अंदर जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले पार्किंग वार्किंग की जगह देख लेता हूँ। तो भाई पार्किंग वार्किंग की जगह तो अच्छी खासी डेवलपर ने यहाँ पर दी हुई थी। जाके सबसे पहले मैं लाइट ऑन करता हूँ सैम्पल फ्लैट का, और उसके बाद अंदर जाके चाबी से इसको खोलता हूँ और एक एक चीज़ आपको डिटेल। इसमें तो टेरेस फ्लैट वगैरह भी अवेलेबल है, इस बिल्डिंग में पर्टिकुलरली बहुत सारे 1 BHK के साइजेस अवेलेबल है, टेरेस फ्लैट वाले भी, बिना टेरेस फ्लैट वाले भी, सब कुछ। यहाँ पे सैम्पल फ्लैट जो आज मैं बना रहा हूँ ना, वो भाई टेरेस फ्लैट का है और इतना ज़बरदस्त है। कुछ लोगों ने अगर मेरी वीडियोस पहले देखी होगी तो उनको पता होगा इसका सैम्पल फ्लैट कैसा है, जिसने नहीं देखा उसको तो मैं दिखा ही रहा हूँ आज। यहाँ पर अपने को डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है और सामने कुशन वगैरह तो सब आपने देखा ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोफ़ा वगैरह। इसके बाहर जब आप निकलोगे ना तो जो आपको नज़ारा मिलेगा वो देखने लायक है। तो सबसे पहले मैं विंडो खोल के बाहर आता हूँ और ये देखो
इतना बड़ा भाई टेरेस है कि यहाँ पे एक प्रॉपर फुल साइज झूला लगा हुआ है। मतलब इस पे आप बैठ के आराम से झूल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, उस हिसाब का काम यहाँ पे किया हुआ है। अब इसके अंदर ओपन किचन कॉन्सेप्ट भी है, मतलब आपको अगर नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका किचन सेपरेट हो, दिखे ना, वो भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ओपन किचन कॉन्सेप्ट सैम्पल फ्लैट में बनाया हुआ था। और सैम्पल फ्लैट में भी बालकनी है, मतलब बालकनी तो ऑब्वियसली होगी ही, क्योंकि इसके अंदर हॉल, बेडरूम, किचन सब में बालकनी है, और छोटी छोटी छज्जे जैसा नहीं, बड़ी बड़ी बालकनीज है विद मास्टर बेडरूम। मैंने आपको हाई किया, यहाँ पे आप देख रहे हो वॉशरूम, बाथरूम सब कुछ अटैच किया हुआ है। और इसके अंदर जब बेडरूम में अपन जाते हैं तो यहाँ पर भी जो बालकनी है वो बड़ी बड़ी, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लाइव दिखाया गया है, बस कुछ भी बोल नहीं रहे। ये देखो कुर्सी रखी हुई है, सेंटर टेबल रखा हुआ है, पैर एक के ऊपर एक रखो और इन्जॉय करो। अब एक प्रॉब्लम हो गई भाई, यहाँ से जब मैं बंद कर रहा था तो ये बंद नहीं हुआ। अब वॉचमैन भाई ने मुझे चाबी तो दे दी थी, लेकिन मैंने बंद करने की कोशिश की, मुझसे बंद ही नहीं हुआ, आधा घंटा लग गया मेरे को। बट मैंने इसको छोड़ा, मैंने बोला भाई अपनी टोपी पहनता हूँ और निकलता हूँ। ये तो ले लो, पर चाबी उसी में रह गया। नहीं निकला। नहीं, आधा घंटा खींचा मैं उसको, निकला ही नहीं। क्या कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलेगा, थैंक्स। तो फाइनली भाई साहब, जो न्यूज में देख रहा था बैक टू बैक, मतलब इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बैक टू बैक न्यूज़पेपर में मुझे देखने को मिल रहा था कि नवी मुंबई में कोई ऐसा डेवलपर है जिसको इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो मैं भी शॉक हो गया, मुझे भी जानना था कि ऐसा क्या है क्या। और जब मैं यहां पर आया, एंटर करते ही बिल्डिंग का डिजाइन देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसे बिल्डिंग है जिसको अगर यहां पर एक बार आके पसंद आ गया तो उसका रिटर्न जाना ना के बराबर ही पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं अंदर आता हूं, ये जो शुरुआत में ही चार चार माले की बिल्डिंग बनाई है, उसका जैसा डिजाइन है, उसकी जैसी खूबसूरती है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। जब मुझे ये पता चला ऑफिस में जाने के बाद कि इसके पीछे 21 एकड़ का लैंड पार्सल उनका खुद का है और बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स वो यहां पर बना रहे हैं, मेरे तो होश उड़ गए। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया अंदर जाके सब कुछ देखने के लिए। मैंने सैंपल फ्लैट वगैरह देखा, फिर उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहां पर आप देखोगे, 14 माला, 12 माला, 4 माला, हर फ्लोर का इन्होंने बिल्डिंग बनाया हुआ है और सबके बजट के लिए प्रोजेक्ट है। आपको मैंने एक जो सर्वम दिखाया जहां पर बाहर बहुत बड़ा एंट्रेंस एरिया था, वहां पर आपको 1 BHK 31 लाख प्लस टैक्सेस से मिल रहा है। और दूसरे प्रोजेक्ट्स में जब आप अंदर आते हो तो गोल्ड आपको दिखाया होगा मैंने, 35 लाख प्लस टैक्सेस। और जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जो अंदर बन रहे हैं, मैंने आपको और दिखाया पूरा का पूरा टाउनशिप के अंदर, 38 लाख प्लस टैक्सेस, 39 लाख प्लस टैक्सेस हर बजट में, मतलब 31 लाख से लेकर 39 लाख रुपीज तक, 38 लाख रुपीज तक हर बजट के लिए यहां पर प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एक मेन चीज आजकल आप देखते हो, ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए एक स्पेशल अलग से रूम चाहिए, 2 BHK का बजट भी नहीं है, लेकिन 1 BHK में ही वो चाहते हैं कि क्या एक अलग से रूम बन सकता है जिसके अंदर अपने को, यू नो, बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से एक रूम हो जाए या हमारा वर्क फ्रॉम होम का एक स्पेस बन जाए। तो सिद्धिविनायक डेवलपर्स ने पहली बार माई स्पेस करके एक कॉन्सेप्ट लाया, जहां पर 1 BHK अपार्टमेंट ही है लेकिन उसको 1.5 BHK किया है बड़ा करने के लिए। 464 का कार्पेट एरिया, यूजेबल कार्पेट एरिया, इतना बड़ा कार्पेट एरिया पूरे नवी मुंबई में मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं दे रहा है। 1 BHK में 464 का यूजेबल कार्पेट एरिया, बिल्टअप नहीं बता रहा हूं मैं आपको, और उसी के अंदर आपको एक अलग से रूम जिसके अंदर आपको वो फुल्ली फर्निश करा के दे रहे हैं, मतलब टेबल और सोफा हर एक चीज लगा के दे रहे हैं। और एक और प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाया वो तो फुल्ली AC रूम है, मतलब आपको हॉल में, बेडरूम में, किचन में, सॉरी किचन में नहीं, हॉल, बेडरूम, सब जगह AC मिल रहा है। अगर 2 बेडरूम है तो दोनों बेडरूम में, हॉल में, हर रूम में AC लगा के दे रहे हैं और वो भी इस बजट में। अब आपका बजट अगर एकदम कम वाला है, 31 लाख वाला है, तो उसका भी ऑप्शन है, उसके अंदर हमारे मियां भाई मुस्लिम है वो भी अलाउड है। और हर तरीके की कम्युनिटी के लिए अलग अलग बिल्डिंग यहां पर बनी हुई है। लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कि देवेश भाई आप हमको पहले ही बता दिया करो क्योंकि कैसा हिसाब है हमको पहले से ही पता होगा। तो जो मैंने सर्वम दिखाया वहां पर मुस्लिम्स भी अलाउड है, तो हर किसी के लिए ऑप्शन है।
31 लाख जिसका बजट है उसके लिए भी ऑप्शन है, 35 वाले के लिए भी है, 38, 39 सबके लिए। और 2 BHK भी यहां पर आपको 50 लाख के ऊपर आपको प्लस टैक्सेस में आराम से मिल जाएगा। तो 1 BHK 2 BHK सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। और सिद्धि विनायक डेवलपर्स भाई, उनके खारघर में प्रोजेक्ट्स हैं, उलवे में प्रोजेक्ट्स हैं, करण जाड़े में प्रोजेक्ट्स हैं, उनका तो अब क्या ही कहना। हर जगह जब मैंने देखा तो मुझे पता चला हर जगह प्रोजेक्ट्स हैं, और इतने प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हुए हैं, ऑफिस में जगह कम पड़ गई होगी फोटो लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके। तो सारा कुछ देखने के बाद ये जगह अगर किसी को एकदम राजा महाराजा वाला फील चाहिए अपनी बिल्डिंग में, उनके डिजाइन में, तो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जरूर घर ले सकते हैं मेरे रिव्यू के हिसाब से। अब आप जब भी साइट विजिट करोगे आप देखकर जरूर डिसाइड करना कि आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपको जरूर देना है। और फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी यहां पर आपको मिल रही है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। फैमिली के साथ आओ, पूरा पिक एंड ड्रॉप आराम से आओ, देखो, और फिर आप अपने घर जाओ, डिसीजन लो, बुकिंग करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना है आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी। मुझे पर्सनली पूछोगे तो 10 आउट ऑफ मैं इसको 9.5 की रेटिंग दूंगा। अब ये सारा डिटेल जानने के बाद मेरे चैनल को फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बहुत गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, गर्मी का मौसम भाई एकदम नेक्स्ट लेवल जा रहा है। अब सारी डिटेल्स आपको मिल गई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, जहां पर आप बताओगे वीडियो बनाने के लिए वहां पर मैं बताऊंगा। ये प्रॉपर्टी खारघर तलोजा फेज 2 में आती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।